और यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं बता दूं एक ऐतिहासिक बात कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कैसे हुआ कर मेरे पिताजी को मालवीय जी महाराज ले गए थे। मेरे पिताजी अंग्रेज राजाओं के जेल में थे जो विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए थे। फंक्शन खत्म होने के बाद वाइस चांसलर लॉज में देश का प्रधानमंत्री आचार्य नरेंद्र देव जी से मिलने गया और ये बात मुझे जो वहां के पुराने मालवीय जी के जमाने के जो चपरासी थे सेवक थे उन्होंने बताई। पानी देने गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे आचार्य नरेंद्र देव से कि आचार्य जी आजाद साहब इस देश की शिक्षा को कुछ संभाल कम पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर नहीं लेकिन आगे आने वाली भारत की पीढ़ी की शिक्षा के लिए आप कुछ दिन के लिए भारत का शिक्षा मंत्रालय संभाल दीजिए। और आचार्य जी हाथ जोड़ के मना कर रहे थे कि नहीं मैं यही पठन पाठन करना चाहता हूँ। ये हाइट हुआ करती है। मिस्टर त्रिगुण सेन बहुत दिनों विश्वविद्यालय बंद रहा। इंदिरा जी वो कौन सी कांग्रेस थी अजय वाली बंगाल में बंगाल कांग्रेस के नेता थे त्रिगुण सेन लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। इंदिरा जी ने उनको बीएचयू का वाइस चांसलर बनाया और 71-72 के बाद एक दिन फोन किया दिल्ली बुलाया और इस देश का शिक्षा मंत्री बनाने का काम इंदिरा जी ने उस समय किया था। ये हाइट हुआ करती थी। और कल मैं जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का खोखला बयान दे रहा सुन रहा था टीवी पर तो मुझे शर्म आ रही थी कि मेरे विश्वविद्यालय का ये वाइस चांसलर लगातार बातचीत। इसलिए इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से दूर तक लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं ये एक एक करके पूरे जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं इनकी प्रतिष्ठा को समाप्त करना चाहते। शिक्षा को जो लोग कुछ लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके वो बढ़ावा देने का काम करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को सिर्फ यही लड़ाई नहीं इस लड़ाई में भी हमको साफ साफ कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री को काशी के सांसद के रूप में और वहां मौजूद रहने के कारण जो अपराध किया है उसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। नंबर दो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है और मैं यहाँ जो बैठी हुई महिलाएं हमारी है इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कल घेरिए राष्ट्रीय महिला आयोग को कि देश के अंदर क्या हो रहा है। छात्रावास में रात को 12 बजे घुस के पुलिस लाठियां चला रही है पीट रही है। कल घेरने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग को आप लोगों को करना चाहिए। और राष्ट्रपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विस्टर होता है और उस विस्टर को भी एक कमेटी बनानी चाहिए या जांच बैठाना चाहिए। ये जो योगी महाराज ने किया है न्यायिक जांच ये फालतू है बेकार है। 4 SDM या 4 सिपाही बदलने का मसला नहीं है। ये शिक्षण संस्थाओं में पुलिस की बर्बरता भविष्य में होगी कि नहीं ये तय करने का सवाल है। कैसे विश्वविद्यालय में घुसी पुलिस किसके कहने पर घुसी पुलिस ये बात भी तय होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब लोग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं की और छात्रों की लड़ाई में शरीक होने आए हैं आपको भी हम साधुवाद कहते हैं और ये लड़ाई लंबी चले और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चले विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए चले और ये जो शाह और तानाशाह की जोड़ी इस मुल्क को बर्बाद कर रही है इसको समाप्त करने के लिए चले। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार प्रणाम।